खरगोन जिले की सेगावा तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तहसीलदार के नाम ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर महिमाराम पाटीदार सहित किसान उपस्थित थे। भारतीय किसान महासंघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कम वर्षा के कारण सेगावा तहसील को सूखा घोषित करने, राजस्व और विद्युत मंडल संबंधी विभिन्न किसानों की जन समस्याओं संबंधी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पूर्व स्थानीय कृषि उपज मंडी से तहसील कार्यालय तक हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली गई। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन देने का जो हमारा उद्देश्य है, आज पूरे भारत में भारतीय किसान संगठन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की जो किसानों की मांग होती है उसको लेकर के पूरे तहसील स्तर पर संगठन द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्य हो रहा है। क्या मांगे आपके प्रमुख? इसमें प्रमुख मांगे कि अभी जो 5 जून 2020 को जो सरकार कृषि आधारित अध्यादेश लाई है, उन अध्यादेशों में किसान समाज को नुकसान है, इसलिए उन अध्यादेशों में संशोधन हो। इस चीज़ को लेकर के हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार जो है, इससे भी किसानों की जो हमारी समस्याएं हैं उसको लेकर हम प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन दे रहे हैं, और चूँकि ये जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ के जो अधिकारी जो हैं, वहाँ के जो विभाग हैं, उनके अधिकार क्षेत्र की जो समस्याएं किसानों की है उनको लेकर भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सीताराम पाटीदार, भारतीय किसान संघ पूर्व जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।